हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट फोर वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट फोर वीडियो में प्रश्नावली 3.3 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर ये जितने भी बिंदु दिए गए हैं स्थित है। हमें बताना है कि ये दिए गए बिंदु किस चतुर्थांश में है या किस अक्ष पर है। फिर आगे कह रहा है कि कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। यानी हमें कार्तीय तल पर ग्राफ पेपर लेकर, हमें कार्तीय तल खींचकर उस पर इन बिंदुओं को स्थापित करके, उसको निर्धारित करके हमें अपने उत्तर को भी सत्यापित करके दिखाना है। ठीक है, चलिए मैंने इसके लिए यहाँ पे ग्राफ पेपर ले लिया। ऐसे तो मैं डायरेक्ट भी आपको बता सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जो पहला पाद होता है उसमें प्लस प्लस वाले आते हैं, दूसरे पाद दूसरे चतुर्थांश में या दूसरे पाद में माइनस प्लस वाले, तीसरे में माइनस माइनस वाले और चौथे में, चौथे चतुर्थांश में प्लस माइनस वाले आते हैं। तो उसी के अनुसार हमें यहाँ पता चल जाएगा। तो अगर मुझे लिखना होगा बिंदु -2.4 की स्थिति को, तो लिख सकते हैं ये कहाँ स्थित है जी। तो लिख सकते हैं कि देखो माइनस प्लस में है ना जी, तो ये द्वितीय आ जाएगा। लिख सकते हैं कि चतुर्थांश 2 में स्थित है। ठीक है, अगला बिंदु देखते हैं 3.-1। लिख सकते हैं ऐसे कि बिंदु 3.-1 चतुर्थांश किसमें स्थित हो जाएगा। पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, चौथा में, चतुर्थांश 4 में स्थित है। चलिए अगला है, पहले सभी बिंदुओं को लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ग्राफ पेपर पे खींचेंगे। बिंदु -1.0, तो y नियामक 0 आ गया, तो ये तो x अक्ष पे चला जाएगा ना, और x नियामक 0 हो तो वो y अक्ष पे चला जाता है। देख रहे हैं ना, यहाँ पर y नियामक 0 हो गया तो ये x अक्ष पे स्थित होगा, और किधर, ऋण x अक्ष पर स्थित होगा, क्योंकि ये x नियामक इसका माइनस का है। बिंदु इतना ऋण x अक्ष पर स्थित है। चलिए अगला बात करते हैं बिंदु, अगर यही 1 प्लस का होता तो यहाँ पे ये धन x अक्ष पे स्थित हो जाता। ठीक है, बिंदु अगला कौन है 1.2, दोनों प्लस का, तो ये चतुर्थांश में चला जाएगा। चतुर्थांश किस में आ जाएगा, चतुर्थांश 1 में स्थित है। ठीक है, अच्छा एक और बिंदु है, बिंदु -3.-1, दोनों माइनस का, तो लिख सकते हैं कि चतुर्थांश 3 में होगा ना जी, 3 में स्थित है। चतुर्थांश 3 में स्थित है, समझ गए। यहां पे भी चाहो तो ऐसे लिख दो बिंदु। ठीक है, समझ गए। अब देखिए इसके बाद हम लोग इसको ग्राफ पेपर पर दर्शा के सत्यापित करते हैं। ये आपका x अक्ष हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मोटा लकीर करते हैं। ठीक है, और ये आपका वाई एक्स हो जाएगा। ठीक, एक्स एक्स डैश वाई, और नीचे ले लेते हैं वाई डैश। चलिए यहां पे ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4, और इधर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, यहाँ -5 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सही करके इसको लिख देते, -5, समझ गया। अब देखिए इसके बाद क्या था, -2.4, तो x का -2 और y का 4, ये होगा -2.4। देख रहा है ना, द्वितीय पाद में आ रहा है कि नहीं, द्वितीय चतुर्थांश में आ रहा है। 3.-1, x का 3
और वाई का माइनस एक, चौथे में आ रहा है कि नहीं? चलिए माइनस एक जीरो, एक्स का माइनस एक वाई का जीरो ही हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना, एक्स अक्ष पे आ रहा है, ऋणात्मक दिशा में आ रहा है, ऋण दिशा में आ रहा है, तो इसीलिए हमने लिखा है कि ऋण एक्स अक्ष पर स्थित है। चलिए अगला क्या है, एक कॉमा दो, एक्स का एक वाई का दो, एक्स का एक वाई का दो, एक्स का माइनस तीन और वाई का माइनस पांच, एक्स का माइनस तीन और वाई का माइनस पांच, माइनस तीन और पांच। देखिए ये कहां पे स्थित है, तो ये आपका चतुर्थांश तीन में स्थित है कि नहीं? देख लीजिए, ये पहला है, यह दूसरा है, यह तीसरा है और ये चौथा है। तो हमने सत्यापित करके दिखा दिया कार्तीय तल लेकर, समझ गए? अगला को